नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लाइव मार्केट ओपन है और 10 नवंबर और सुबह के 11:50 हो रहे हैं। लाइव मार्केट इस टाइम पर ओपन है। और BLS इंटरनेशनल के बारे में बात करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अब प्लीज़, पहले मैंने एक महीने पहले BLS के अंदर कॉल बताया था कि क्यों गिर रहा है और क्यों ये सही समय नहीं इसमें बाय करने का, बट अब मुझे लगता है कि ये सही समय इसमें बाय करने का, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था जो 29 तारीख को, उसमें काफ़ी अच्छी अप ट्रेंडिंग देखने को मिली आपको, तो डेफिनेटली अब इसमें अप मूविंग और देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, BLS इंटरनेशनल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मोटा मोटा समझाऊंगा। मैंने कंपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है, कंपनी का काम क्या है, सर्विसिंग का काम है, कंपनी वीज़ा प्रोसेसिंग करती है, सीनियर सिटीजन दिलवाती है, ठीक है, कॉन्सोल, ई वीज़ा, बायोमेट्रिक एंड एडेंट, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है कंपनी का वर्किंग, कंपनी क्या करती है सब चीज़, और वैल्यूबल एडिट सर्विस के अंदर काम करती है, ठीक है। बेसिकली कंपनी का काम क्या, वीज़ा आप समझ सकते हैं, वीज़ा के लिए जो सिटीजन के लिए जरूरत होता है वो BLS इंटरनेशनल का काम क्या है। देखिए, कोविड के बाद से अब जो फ्लाइट जितनी 100% फ्लाइट ओपन कर दी गई हैं, तो अदर कंट्रियों में, अदर स्टेट और अदर कंट्रियों में आना जाना, आवाजाही स्टार्ट हो गई, तो उसके तहत वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, तो BLS इंटरनेशनल उसका काम करती है। तो ई वीज़ा दिलाना, वीज़ा प्रोसेसिंग करना, सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विस दिलाना, ठीक है, किसी भी देश में जाने के लिए आपको कुछ भी ज़रूरत होती है, तो BLS इंटरनेशनल का काम वर्किंग वो है, वीज़ा दिलाना, ये सब चीज़ों का काम BLS इंटरनेशनल करता है। तो बेसिकली जब से अनलॉक के बाद से फ्लाइट पूरी 100% ओपन हो गई है अदर कंट्री में जाने के लिए, तो उसके बाद से BLS का बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। इस क्वार्टर में भी देखिए, लॉकडाउन के चलते फ्लाइट बंद होने के बाद भी इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू प्लस में आया, तो अब मुझे लगता है कि अब फिर से अनलॉक हुआ, सब चीज़ अनलॉकिंग हुई है उसके बाद से, तो अब इसके इनका जो वर्किंग है उसमें भी डिमांड बढ़ेगी BLS इंटरनेशनल की। तो चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अगर इसको आप अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरव्यू था कंपनी के बारे में, कंपनी की वेबसाइट में आके आप खुद चेकआउट कर सकते हैं कंपनी की वर्किंग क्या, सारी चीज़ों के बारे में। आप समझते हैं आज के दिन में BLS में क्या चल रहा है। तो ये मैंने देखा गूगल पर ओपन कर लिया, आज BLS 0.39% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। आज ये ओपन होता है 219.65 पे, हाई मारता 222.60 का, लो मारता 215.15 का, 52 हाई है इसका 309 रुपये, 52 लो है इसका 71.50 का। और इसका जो 5 दिन के अंदर इतना हमें रिटर्न दिए हैं, क्योंकि देखिए इंडिया की कंपनी है, कब से कंपनी है, 1983 से कंपनी है, तो 5 दिन में इसने हमें रिटर्न दिया अभी तक -0.40%, और 1 मंथ में इन्हें 15% माइनस में दिए रिटर्न अभी तक, 6 मंथ के अंदर इसने 133% रिटर्न दिया अभी तक, और अभी तक के इसमें इस ईयर अभी तक के डेट के ईयर से हिसाब से इसमें 158.67% रिटर्न अभी तक दे चुका है। ये हो गया इसका मोटा मोटा ओवरव्यू है, ठीक है। अब समझते इसका फाइनेंशियली चल गया इस कंपनी के अंदर। ये देखिए, BLS का मार्केट कैप है 2250 करोड़ का, स्टॉक पी ई 26.4%, स्टॉक आर ओ सी 11.2% है, बिग बुक वैल्यू इसके 49, आर ओ ई 11.3% है, फेस वैल्यू इसके 1 रुपये के डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, 0.23% का डिविडेंड दिया अभी तक कंपनी ने। कंपनी क्या है, कर्जा मुफ्त है, ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है कंपनी, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है, ये पेजअप पॉइंट है, ठीक है। कंपनी के अंदर क्या है, ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए, इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था ना, उसका इंपैक्ट इस शेयर के अंदर, जब से इसमें रिजल्ट आया उसके बाद से इसमें तेजी, क्योंकि उससे पहले गिर ही रहा था शेयर, क्योंकि लोगों ने, ये अच्छी तरह से तेजी हो गई थी कोविड के चलते हुए इसके अंदर, फिर इस लोगों में सब प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट भी भागता है। अब जब इसके क्वार्टर रिजल्ट आए, तो आप देखिए सितंबर 2021 का 190 करोड़ की इनकी सेल हुई है, जिसमें इनका एक्सपेंस 163 करोड़ का, प्रॉफिट आया इनका 28 करोड़ रुपये का, EPS इनका हुआ है 2.68, ठीक है, नेट प्रॉफिट आया इनको 27 करोड़ का। अब देखिए जून क्वार्टर के अंदर इनकी सेल थी 179 की, ठीक है, इनको प्रॉफिट हुआ था 19 करोड़ का, नेट प्रॉफिट आया था ना 20 करोड़ का, और इनका EPS था 1.98। ये देखिए जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग में आप प्रॉफिट चेक करेंगे तो भी डबल, यानी कि 30% इसका अबव है। अब क्वार्टर क्वार्टर वाइज चेक करेंगे तो सितंबर क्वार्टर के अंदर इनकी सेल थी 131 करोड़ की, इनका सितंबर 2020 के अंदर इनका प्रॉफिट आया था 13 करोड़ का, और EPS तन का 1.33, तो वो EPS भी बड़ा है, सेल भी दो गुना हो गई है, EPS भी दो गुना हो गया है,
और EPS भी देखिए 1.33 था, वो बढ़कर 2.68 हो गया है। तो EPS में भी ग्रोथ हुई है, सेल में भी ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सितंबर 2020 के क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर से देखिए 3 करोड़, सितंबर 2020 में 13 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 19 करोड़, 28 करोड़, यानी कि अनलॉक के बाद से कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट, सेल में भी ग्रोथ हो रही है। आप देख सकते हैं 145, 179, 190, यानी कि ये सेल में ग्रोथ भी हो रही है, EPS भी ग्रो कर रहा है, लास्ट टू क्वार्टर से कंपनी ग्रोथ भी हो रही है, हाफ ईयरली अच्छा रिजल्ट दिया कंपनी ने, तो क्वार्टर क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा दिया है। तो ये ओवरव्यू था क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट का, ये तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आया। तो अब समझते इसके चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, उससे पहले मैं टिकट टेप की साइड पर दिखाता हूँ आपको। BLS इंटरनेशनल ने 110% प्रॉफिट इन सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट अर्न किया है, ये इनका ओवरव्यू है, ठीक है ना। तो ये ओवरव्यू इसके अंदर, तो आप समझते हैं इसके अंदर और क्या है। देखिए इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया मैंने इसका, अब डेली चार्ट पे क्या है इसके अंदर ये समझते हैं। अब देखिए डेली चार्ट के अंदर देखिए एक डाउनफॉल आपको देखने को मिला होगा, ये देखिए आप इस कैंडल के बाद इसमें डाउनफॉल आया था, यानी कि 11 अक्टूबर के बाद इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल आया, अब डाउनफॉल कवर हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर जो गैपिंग था वो पूरा हो चुका है, ये एवरेज मूव क्रॉस मूव की तरफ हो जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है आज के डेट में इसमें, ठीक है। इसमें जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, 205 के स्टॉप लॉस से बाय करिए आप, 205 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। मुझे लगता है कि एक से डेढ़ महीने में इसमें 150 तक के आप ट्रेंडिंग देखने को मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा डीपली समझाऊंगा, चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने को तैयार है, ठीक है ना। ये अपने 100 डेज 150 200 दिन के एवरेज मूव के अप ट्रेंडिंग में, ये देखिए यहाँ पे ना क्रॉस मूव हो चुका है। ये थोड़ा सा जूम करेंगे ना, ये देखिए ये एकदम नेक लाइन पे है MACD, और ये अब कभी भी इसमें ब्रेकआउट होगा क्योंकि लास्ट यानी कि देखिए आप 4 दिन से इसी सपोर्ट में चल रहा है ये, इसमें अप ट्रेंडिंग जैसे ही आएगा वैसे इसमें ब्रेकआउट होगा। तो MACD पे जैसे ब्रेकआउट होगा इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये देखिए गैप फिल होते होते अभी गैप फिल यहाँ तक आ चुका है, यानी कि देखिए ये बिल्कुल क्रॉस एंडिंग पर आ चुका है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, कल के सीजन में से ब्रेकआउट हो गया तो डेफिनेटली अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। ये RSI में अप ट्रेंडिंग है, ADS इसका डाउन हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें एक से डेढ़ महीने के टारगेट के हिसाब से बाय करिए, 205 के स्टॉप लॉस से बाय करिए आप, 205 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, क्योंकि 205 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट आया तो 29 तारीख को, उसके बाद से ही इसमें अप ट्रेंडिंग है, देख सकते हैं आप इसको, उसके बाद से अप ट्रेंडिंग की तरफ आ चुका है, क्योंकि 28 तारीख को इसने अपनी गिरावट दिखाई थी 202 रुपये तक की। तो 205 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है इसके अंदर। अब देखिए इसमें डेली चार्ट पे ही देखिए यहाँ पे इसका यानी कि 52 हाई बनाता है इसका 17 सितंबर को, 17 सितंबर के बाद से इसमें गिरावट आना स्टार्ट होगी। देखिए ना मैंने बताया था 52 हाई के बाद इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक करेक्शन के बाद अब फिर से अब ट्रेंडिंग की तरफ तैयार है शेयर, क्योंकि ये देखिए ये जो नेकलाइज है एवरेज मूव 21 डेज 7 डेज एवरेज मूव क्रॉस मूविंग का तैयार बैठी हुई है। अब देखिए ये इस कैंडल पर चल रहा है इस टाइम पर शेयर, ठीक है। तो पहला जो टारगेट आएगा मेरा, पहला टारगेट है 230 रुपये का, ठीक है ना, पहला टारगेट है मेरा 230 का, वो 10 दिन के अंदर पूरा अचीव हो जाएगा, शायद एक हफ्ते में 2 से 3 दिन में भी हो सकता है, कि जैसे इसमें ब्रेकआउट हो वैसे अब तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। पहला टारगेट है 230 का, क्योंकि ये कैंडल हमारी बन रही है 237-238 रुपये की, यही कैंडल का सपोर्ट लेगा क्योंकि इसी कैंडल पर अभी है। देखिए ये जो कैंडल है इस कैंडल की सपोर्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बाएंगे तो इनका अब सपोर्ट मिल चुका, ना तो इस कैंडल के नीचे जा रहा है ना इस कैंडल से अप जा रहा है, तो अभी इसी रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है अभी। तो जैसे ही इस नेकलेस को तोड़ेगा तो पहला टारगेट 230 का जैसे ही तोड़ेगा उसके फिर उसके बाद इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी आपको। तो दूसरा टारगेट है मेरा 240 का, ठीक है, 240 का टारगेट जैसे ही देखो, क्योंकि ये कैंडल जो बन रही है इसके अंदर बने 274 रुपये की, क्योंकि ये कैंडल जो है 250 तक की है, तो मैंने जब भी बोला आपको 250 तक के लेवल होंगे इन दोनों कैंडल के बाद। देखिए ये दो कैंडल बनते इसके बाद से इसमें बेरिस कैंडल बनते, बेरिस कैंडल का इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो जब तक ये कैंडल है इस कैंडल का सपोर्ट लेगा 250 तक के लेवल दिखा देगा ऑटोमेटिक, 250 के बाद इसमें अप ट्रेंडिंग मिलेंगे आपको, क्योंकि इसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट आया है, सब कुछ अच्छा है, बाकी अभी लोगों के इस पर न्यूज़ पे भी नहीं आ रहा, किसी चीज़ पे नहीं आ रहा, इसलिए लोगों के इसके तरफ फोकस नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें बस शेयर को बाय करना है, हमने अपने पैसों को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 205 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, पहला टारगेट 230 का, दूसरा टारगेट 240 का, और तीसरा टारगेट है 250 रुपये का। अब देखिए थोड़ा सा वीकली चार्ट पे समझ लेते हैं इसको, ये देखिए इस वीक इसके अंदर क्या वॉल्यूम के साथ इसमें, ये देखिए यहाँ पे भी क्रॉस मूव पे तैयार बैठा है, ये देखिए ये गैप फिलिंग हो रही है यहाँ पे भी,
ठीक है ना। तो अभी भी इसका एवरेज मूव अप ट्रेंडिंग की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर कि इसमें गिरावट आनी है। गिरावट जितनी होनी चाहिए हो चुकी है, ये देख सकते हैं कि लास्ट मंथ सितंबर के बाद इसमें गिरावट हुई है। ये कैंडल देखिए इससे छोटी, अब इससे छोटी कैंडल बन रही है इस मंथ की, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न जो बनता है थ्री कैंडल वाला, इसके अंदर गिरावट को संकेत है। इसके देखिए गिरावट जितनी होनी थी, कैंडल वेरियस कैंडल जितनी बनी थी बन चुकी है। अब इसमें बुलिश कैंडल बनेंगे। मंथली वाइज भी देख सकते हैं आप, मंथली वाइज किस तरह से अप ट्रेंडिंग तरफ हो रहा है। RSI MACD दोनों अप ट्रेंडिंग था मंथली चार्ट में भी। तो आपको क्या करना है, 205 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट 230 का, दूसरा टारगेट 240 का, तीसरा टारगेट 250 पे का, क्योंकि ये एक से डेढ़ महीने की कॉल है। आपको इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बाय करना है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपको कॉल देते हैं। तो आपको अपना कैपिटल को लॉस बिल्कुल नहीं करना। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।